नमस्कार दोस्तों, आ वीडियो नी अंदर हूँ तमने कैलिग्राफी कई रीते करवी ते शीखवाड़ी रह्यो छूं। कैलिग्राफी करवा माटे मैं अहीं स्केच पेन नो उपयोग कर्यो छे। स्केच पेन ना आगळना पॉइंट ने ब्लेड नी मदद थी मैं थोड़ू तीरछू कापी नाखेलू छे अने त्यार पछी सारा राइटिंग काढ़ेला छे। तो तमने पण आ ट्रीक शीखवी होय तो मारी साथे आ वीडियो पूरो जोशो। दोस्तों, स्केच पेन ना जे पॉइंटेड पॉइंट आवे छे ते पॉइंटेड पॉइंट ने आपणे जो ब्लेड नी मदद थी क्रॉस कापी नाखीए ने त्यार पछी जो कोई भी लेटर लखवामां आवे तो ये खूब सरस अने सारा निकले छे। आजे तो बजार नी अंदर कैलिग्राफी माटे स्पेशियल घनी बड़ी पेन अथवा मार्कर पेन अलग अलग पॉइंट अने अलग अलग साइजनी आसानी थी मळी रहे छे। पण अहीं मैं सादी स्केच पेननो ज उपयोग करेलो छे अने घनी सारी रीते सुंदर राइटिंग करवाना मैं प्रयास कर्या छे। मैं सौथी पहला पेपरनी ऊपर फूटपट्टीनी मददथी लाइनो खेंची छे अने ए लाइनोनी अंदर रफ लखाण पहलेथी लखीने राख्यू छे। त्यार पछी एना पर मैं डायरेक्ट स्केच पेननो उपयोग करी अहीं सुंदर सुलेखन करेलू छे। तो आप सब मारी साथे आ वीडियो निहाळो। અહીં મેં ભાગવત ગીતાના અમુક શ્લોકો લીધેલા છે, જેમાં પહેલો શ્લોક મેં લખ્યો છે, ડ્રો ભૂત સર્ગો લોકે દિષ્ણ દેવે આસુર એવચ દેવો વિસ્તર રસ પ્રોકપ આસુર પાઠળ મેં શૃણુ। આનો અર્થ એમ થાય છે કે અર્થાત આ લોકમાં બે પ્રકારના પ્રાણીઓની સૃષ્ટિ છે, દેવી તથા આસુરી। દેવી એટલે કે ભગવાન અને આસુરી એટલે રાક્ષસ। દેવી વિશે તો મેં તને વિસ્તારપૂર્વક કહ્યું છે, હવે હે પાર્થ તું મારી સાથેની આસુરી સૃષ્ટિ વિશે સાંભળ। અહીં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુન સાથે વાતચીત કરી રહ્યા છે। સ્વર્ગનો અર્થ સૃષ્ટિ થાય છે અને ભૂત સ્વર્ગનો અર્થ છે ભૂતોની સૃષ્ટિ। ભગવાન આ શ્લોકમાં કહે છે કે આ લોકોમાં ભૂતોની સૃષ્ટિ એટલે કે માનવ સમુદાય બે પ્રકારનો છે, એક તો દેવી પ્રકૃતિવાળો અને બીજો આસુરી પ્રકૃતિવાળો। તેઓ કહે છે કે દેવી પ્રકૃતિ વિશે તો તેમણે પહેલા તથા બીજા ત્રીજા શ્લોક સુધી વિસ્તારપૂર્વક કહી દીધું છે, હવે હું તને આસુરી પ્રકૃતિવાળા મનુષ્ય વિશે કહું। તેમનો આવો કહેવાનો અર્થ એ છે કે આમ તો માનવ સમુદાયમાં અનેક પ્રકારના લોકો હોય છે, પરંતુ મુખ્યત્વે તેમના આ બે જ પ્રકાર છે, તેમના વિશે ભગવાન એ આ અધ્યાયમાં ચર્ચા કરી છે। હવે આપણે આ અધ્યાયનો જે શ્લોક છે તે કઈ રીતે લખ્યા છે તે આ વિડીયોમાં તમે નિહાળો।
स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किं प्रभासेत किमासीत प्रजेत किम स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किं प्रभासेत किमासीत प्रजेत किम। टेपन श्री भगवद गीता आध्यात्मिक व्यक्तित्वनु मठी लीधेलू छे, तो आ श्लोक हूँ तमने वाची रह्यो छूं। स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्य केशव स्थिति धी की प्रभो सेत किमासीत वज्रेतम क्रीम। अर्थात हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा प्राप्त करेला स्थिर बुद्धिवाला पुरुषों लक्षण क्या छे? ते स्थिर बुद्धिवाड़ो पुरुष केवू बोले छे, केवी रीते बेसे छे अने केवी रीते चाले छे, आ रीते आध्यात्मिक व्यक्तित्वना रहस्यने जानवानी जिज्ञासावाड़ो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ने उपरना चार प्रश्नों पूछे छे। स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किं प्रभासेत किमासीत प्रजेत किम। प्रजहाति यदा कामान् सर्वानार्पत मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ हस्तदोचते। अर्थात स्थिति प्रज्ञ पुरुषनु लक्षण ए छे के ते पोताना मननी बढ़ी कामनाओनो संपूर्ण रूपे त्याग करी दे छे अने पोताना आत्माथी आत्मामां ज संतुष्टि रहे छे। बढ़ी ज कामनाओ मन में पैदा थाय छे अने ते कामनाओनो कोई अंत होतो नथी। ते समुद्र में पैदा थता मोजानी जेम निरंतर पैदा थती रहे छे। तेथी भगवान श्री कृष्ण कोई विशेष कामनाओनो त्याग करवानु कहता नहीं, परंतु बढ़ी ज कामनाओनो संपूर्ण रीते त्याग करवानु कहे छे। आ श्लोक में प्रजा हाटी एटले के सारी रीते त्याग करवो एवो शब्द वापर्यो छे। ए प्रमाणे आध्यात्मिक पुरुषे बढ़ी ज कामनाओनो त्याग करी देवो जोईए।
स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किं प्रभासेत किमासीत प्रजेत किम। प्रजहाति यदा कामांस रवानार्पत मनोगतान आत्मन्येवात्मनात्तुष्टः स्थित प्रज्ञ अस्तदोचते। हवे तीजो श्लोक। दुखे स्वप्नु निगमनाः सुखेषु विगट स्पुह वितराग भय क्रोधः स्थिति धीमो निरुचते। अर्थात दुख आवता जेना मन में उद्देक थतो नथी सुख मेळवानी बाबत में जे साव निष्पुह छे तथा जेनो रोग भय क्रोध नष्ट थई गया छे एवो मुनि स्थिर बुद्धिवाळो कहेवाय छे। मानस ने प्रतिकूल स्थिति में दुख अने अनुकूल स्थिति में सुखनो अनुभव थाय छे तेथी तेनी वाणी द्वारा पण विशेष रूपे बे भावो ज अभिव्यक्त थाय छे। एक दुखद भाव नी अभिव्यक्ति अने बीजू सुखद भाव नी अभिव्यक्ति। दुख नी अवस्था मा तेने संताप थाय छे। व्यथित हृदय थी मानस ज्यारे पोताना आंतरिक भावों ने वाणी द्वारा अभिव्यक्त करे छे त्यारे तेमा विषादयुक्त दुखद भाव छलकाय छे। सुखनी अवस्था माटे प्रसन्न थई पोताना आंतरिक आनंद ने अभिव्यक्त करे छे ते वखते एना दुख भावोनी अभिव्यक्ति थाय छे। परंतु स्थिति प्रज्ञ योगीनी वाणीमां न तो दुख के विषाद प्रगट थाय छे के न सुखनी प्रसन्नतापूर्ण अभिव्यक्ति थाय छे। बन्ने प्रकारना भाव तथा विकारोथी रहित थईने स्थिति प्रज्ञ पुरुष सर्वहितकारी तथा सत्यनिष्ठ वाणी ज बोले छे। स्थिति प्रज्ञ योगी सुख के दुखनी अवस्था में मनना विकारोथी रहित थईने संभाव में रहे छे तेथी तेनामा राग भय तथा क्रोध ए तोने विकारों होता नथी। आथी ते राग रहित अने भय रहित तथा क्रोधित रहित थई जाय छे। दुखेश्वर
अश्नुदिग्मनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर्मुनि रूप्यते। Thank you.